नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं शशि शुक्ला टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप का वीडियो डाला था, जो कि था HP 840G1। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप क्या होता है, आप कैसे उसे खरीद सकते हैं और सस्ते में आप काफ़ी हाई एंड लैपटॉप कैसे बाय कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों के सवाल थे और बहुत सारे लोगों ने कहा था, चूंकि मैंने थंबनेल में डाला था कि 13,999 में कोर i5 लैपटॉप, और वो लैपटॉप मैंने थोड़ा सा महंगा बाय किया था, वो 22,000 के आसपास था। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था, आपने थंबनेल में डाला था 13,999, लैपटॉप आपने दिखाया 22,000 का। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 13,999 का लैपटॉप कैसा होता है। मैंने अभी हाल ही में एक HP का एक और लैपटॉप बाय किया है, जो कि कंपनी रिफर्बिश्ड है। रिफर्बिश्ड लैपटॉप के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप क्या होते हैं और ये कैसे तैयार होते हैं, तो मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख के पूरा समझ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ उस लैपटॉप को दिखाऊंगा जो मैंने बाय किया है 13,999 में, और ये थोड़ा सा और सस्ता मिल सकता था मुझे, 1,000 महंगा पड़ा है। महंगा क्यों पड़ा है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। मैं जिस लैपटॉप की बात कर रहा हूँ वो है ये HP का 8470P। ये थोड़ा मोटा है लैपटॉप, मतलब कि ये उतना स्लिम नहीं है, उतना आजकल के जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं वैसा नहीं है, उतना स्लिम नहीं है, थोड़ा सा मोटा है। लेकिन यकीन मानिए ये काफ़ी अच्छा और रिलायबल लैपटॉप है। मोटा है लेकिन एक जगह रख के काम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर का ये कवर हटा रहा हूँ, ये मैंने कवर डाल रखा है डस्ट से बचने के लिए, चूंकि मेरा शॉप है तो मैं शॉप पे यूज करता हूँ। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, मैं अभी आगे वीडियो में पास से इसके कुछ शॉट्स मैं आपको दिखाऊंगा, वहां से आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। दोस्तों, ये मुझे पड़ा है 13,999, यानी 14,000 का ये लैपटॉप पड़ा है। 14,000 का क्यों पड़ा है, क्योंकि इस लैपटॉप में कंपनी के साथ, जो भी आप रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेते हैं तो उसमें कंपनी के साथ आपको बैटरी मिलती है, जिसकी 1 घंटे से प्लस चलने की, मतलब 1 घंटे से थोड़ी सी ज्यादा चलने की गारंटी होती है कि अगर 1 घंटे से कम चलता है तो हम बैटरी रिप्लेस करके देंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए था, तो मैंने उससे नई बैटरी ली विथ 1 ईयर वारंटी। तो नई बैटरी की कॉस्ट मार्केट में 1500 के आसपास है, तो मुझे ये 13,000 का लैपटॉप और 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। उन्होंने मुझे नई बैटरी लगा के दी और 1 साल की वारंटी बैटरी पे भी दी। बढ़ते आगे और देख लेते हैं इस लैपटॉप को थोड़ा डिटेल में, कि इस लैपटॉप में हमें 14,000 रुपये में क्या क्या खास चीज़ें देखने को मिलती है, और ये लैपटॉप हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, क्या इसे आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये HP का 8470P मॉडल है, और इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ये बिल्कुल नया के जैसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन ग्रेड ए कहा जा सकता है इसको। इसके कीबोर्ड पे आप देखें, आप कीबोर्ड और माउस पैड की कंडीशन देख के आप समझ सकते हैं कि ये लैपटॉप कैसा दिख रहा है आपको। ये लैपटॉप बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है। अगर बात करें हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें कोर i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर हमको मिलता है, रैम इसमें 4 GB आपको मिलती है, और हार्ड डिस्क इसमें 320 GB 320 GB आपको मिलती है। प्रोसेसर की स्पीड है 2.5 GHz, और इसमें इंटेल का HD ग्राफिक्स 4000 आता है, जो कि इंटरग्रेट ग्राफिक है, एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड इसमें नहीं दिया गया है। अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 14.1 इंच का एक डिस्प्ले दिया गया है, जो कि LED डिस्प्ले है, और यहाँ ऊपर आपको वेबकैम भी दिया गया है। और वेबकैम के साथ में यहाँ पे एक यूनिक चीज़ आपको दिया गया है, अगर रात में आप लैपटॉप यूज करते हैं तो इस स्विच को दबाने के साथ ही ये खुल जाता है। आप देख रहे हैं, जब ये लैपटॉप ऑन रहेगा तभी ये चीज़ आपको शो करेगा, यहाँ लाइट जलेगी। जब लैपटॉप ऑन रहेगा, अभी लैपटॉप ऑफ है, तो जब लैपटॉप ऑन होगा तो यहाँ पे लाइट जलेगी, आप उसके माध्यम से रात में जो कीबोर्ड पे टाइपिंग वगैरह आसानी से कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। अगर बात करें हम पोर्ट्स की, तो यहाँ पे राइट साइड में आपको हेडफोन जैक, उसके साइड में माइक्रोफोन जैक, उसके साइड में ई सेटअप पोर्ट्स, उसके USB 2.0 का सिंगल पोर्ट, उसके साइड में डी पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट इसको कहा जाता है, जिससे आप अपना मॉनिटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं या बड़ी स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एग्जॉस्ट फैन है जो हीट को बाहर निकालता है। पीछे की तरफ हम देखें तो RJ45 जो लैन है वो आपको मिल जाता है, और इसके साथ ही VGA पोर्ट आपको मिल जाता है मॉनिटर वगैरह कनेक्ट करने के लिए। बाकी लेफ्ट साइड की बात करें, तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है चार्जिंग जैक, 2 USB 3.0 जैक।
इसके बाद आपको मिल जाता है डीवीड राइटर जिसकी थिकनेस है 12.7 mm। बाकी सामने नीचे की तरफ आपको दो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन लाइटें मिल जाती हैं और ये स्विच है, इसको दबाएंगे तब ये चैनल ओपन होगा। तो अब बात करते हैं कि क्या हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ये लैपटॉप थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है और ये थोड़ा सा मोटा भी है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए आप स्लिम के चक्कर में जाएंगे तो पैसे आपको काफ़ी अधिक देने पड़ेंगे। ये लैपटॉप मोटा है और ओल्ड मॉडल है इसीलिए सस्ता आपको मिल रहा है, क्योंकि इसमें आपको कोर i5 थर्ड जनरेशन CPU मिल जाता है, इसमें आपको 4GB रैम मिल जाता है और इसमें हार्ड डिस्क कैपेसिटी भी आपको 320GB से लेके 500GB तक मिल जाती है। बाकी अपने ऊपर है कि आप इसको कितना बढ़वाना चाहते हैं उतना आप बढ़वा सकते हैं। बाकी लैपटॉप की आप कंडीशन देख रहे हैं, ये लैपटॉप आपको एक तिहाई कीमत में मिल रहा है। ये लैपटॉप 2 से 3 साल बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज होते हैं कंपनियों में और उसके बाद ये लैपटॉप वहाँ से हटा दिए जाते हैं, उसके बाद फिर वापस ये कंपनी वाले इसको खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद इसको रिफर्बिशिंग करके, यानी कि इसमें जो भी पार्ट पुर्जे खराब होते हैं उसमें जेन्युइन पार्ट लगा के आप काफ़ी कम प्राइस पे आपको बेचते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 15 दिन का आपको टेस्टिंग वारंटी मिलता है। हमारे यहाँ का तो यही रूल है, मैंने ये लैपटॉप पटना से लिया है, इसमें 15 दिन आपको वो लोग टेस्टिंग वारंटी देते हैं। टेस्टिंग वारंटी से मतलब है कि अगर 15 दिन के भीतर अगर आपको इस लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो मैं इसको रिप्लेस करके दूसरा पीस ले सकता हूँ, और अगर अगर 15 दिन के बाद 6 महीने तक मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम इस लैपटॉप में आती है तो 6 महीने की वो लोग सर्विस वारंटी देते हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम 6 महीने तक आती है तो लैपटॉप वहाँ जमा कराना होगा और वो लोग इसको फ्री में ठीक करवा के देंगे। कि अगर मैं एक नया कोर i5 लैपटॉप लेने जाऊं तो मुझे एक ठीक ठाक लैपटॉप के लिए कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो कि मैं 14 हज़ार रुपये में ही उतना काम कर पा रहा हूं। और ये लैपटॉप मोटा है इसी वजह से इसके पार्ट्स भी रिप्लेस करने में हमें आसानी होती है। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, ये लैपटॉप मोटा है इसलिए इसकी सर्विसिंग भी आसान हो जाती है। इसमें कोई भी अगर पार्ट्स आपको चेंज करना है, कुछ भी अगर अगर भविष्य में अगर कुछ भी ख़राब होता है तो उसको रिपेयर करने में आसानी होती है। जितने भी पतले लैपटॉप्स आते हैं उनको खोलने में और रिपेयर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मुझे इसको शॉप के लिए यूज में लेना है तो शॉप पे एक जगह पे रखा रहता है और वहाँ आप इसको दिन भर चलाओ, कितना भी काम करो, कुछ भी काम करो, इस पर फोटोशॉप रन कराओ या कोई भी आप इस पर बड़े बड़े काम भी, चूँकि कोर i5 प्रोसेसर है तो ये अच्छे अच्छे काम को भी, वीडियो एडिटिंग तक को भी हैंडल कर लेता है। बाकी गेमिंग इसमें उतनी अच्छी नहीं हो पाती है क्योंकि इंटेल के ग्राफिक्स से इतनी अच्छी गेमिंग नहीं हो पाती है, फिर भी ये छोटे मोटे गेम्स चला देता है और जनरल काम तो सारे बहुत ही अच्छे से इस पर हो जाते हैं। जो लोग 20,000, 22,000, 25,000 में इंटेल का डुअल कोर या कोर टू डुअल लैपटॉप खरीद रहे हैं उनके लिए तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है कि आप भले ही थोड़ा सा मोटा लैपटॉप यूज कर रहे हैं लेकिन एटलीस्ट वो पावरफुल तो है, आप उससे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं जो कि एक डुअल कोर लैपटॉप से आप मतलब मुश्किल से कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसे कहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों मैंने इसे पटना से ख़रीदा है, मेरा जो नज़दीकी टाउन है इसके लिए सबसे बेस्ट मार्केट है दिल्ली में। वहाँ पे आप इसी लैपटॉप को जो मैंने 13,000 में 14,000 में लिया है नई बैटरी के साथ और 13,000 में वैसे पुरानी बैटरी के साथ मिल जाती, वो लैपटॉप आपको शायद दिल्ली में 11,000 में या 10,000 में मिल जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी वाली वीडियो हर रोज लेके आते रहते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।